नाश्ता करते हैं ईरान में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज आखिरी नाश्ता इस तरफ जाने का, सीधे इसके बाद हम जाएंगे बॉर्डर पे। तख्तान गाड़ी वगैरह में सामान रख दिया है और नींद वगैरह भी पूरी है, तो काफ़ी लंबा सफ़र है आगे से भी। बाकी चलो देखते हैं। ये नाम भाई, ये मंसूर भाई, क्या हाल है? एक्साइटेड है जी, बिल्कुल एक्साइटेड है। वतन अजीज की तरफ जा रहे हैं, खुश भी लग रहे हैं बड़े आज माशाल्लाह है। रात तो हमारी बहुत लंबी हो गई थी, पहले तो रात को सोते हैं जल्दी उठ जाते हैं, आज सुबह ही नहीं हो रही थी क्योंकि आज पता था सुबह उठ के अपने वतन अजीज को जाना है। माशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे सफर में आगे भी आसानियां पैदा करे और वापसी भी खैर और बरकत से हो। बिल्कुल ऐसे ही है इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह जी तैयब मंसूर भाई, आज नाश्ता को भरपूर नहीं कर रहे आप, लगता है कि खुशी से जो है ना वो भूख जो है ना वो खत्म हो गई है। मेरे को देखना पड़ेगा अब ऐसा ऐसा ना खाना कम करना पड़ेगा, नहीं तो तंग होंगे। जी जी जी, पेट ना खराब हो जाए। चले करें, क्योंकि पानी का फर्क आ रहा है। जी जी बिल्कुल, तो इसलिए बहुत एहतियात की जरूरत है। पानी भी बॉटल का पिए। जी जी जी, और पानी का बहुत एहतियात करें, नहीं तो काम खराब हो जाता है। बिल्कुल ठीक बात है ऐसी। जी फ्रेंड, वहाँ से क्लियर होने के बाद अब हम आ गए हैं लेविस वालों के पास। यहाँ पे कारने वगैरह पे स्टैंप लगनी है, इनका दफ्तर है, और इसके बाद फिर आप जो है ना वो फारिग हो जाते हैं और चले जाते हैं आगे जहाँ भी आपको जाना है। आपकी पेपरी कार्रवाई और कारने वगैरह है सारा। ये जी दोस्तों, सामने आप देख रहे हैं पाकिस्तान, और अगर हम यहाँ से दूसरी तरफ जाएं तो हमें नज़र आता है पाकिस्तान और ईरान का बॉर्डर है जहाँ पे हम खड़े हैं, और वतन अजीज का झंडा भी आपको नज़र आ रहा होगा लहराता हुआ अपनी पूरी आबोताब के साथ। यहाँ पे कस्टम वगैरह क्लियर करते हैं, पासपोर्ट वगैरह क्लियर होते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा कि लोग आ जा रहे हैं, जिनकी चीज़ें क्लियर हो रही हैं वो आ रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे हमने यहाँ पे FIR वालों से अपनी चीज़ें क्लियर करवाई, उसके बाद फिर आपने आगे जाना है। पहुंच गए कैरोफियत से। और इतना ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा, हमें थोड़ा अंदाज़ा था कि पीछे ईरान की तरफ थोड़ा टाइम लगेगा या इधर पाकिस्तान में आके लगेगा। हम दोनों की इमिग्रेशन क्लियर हो गई है, बाकी दोस्त अभी अंदर हैं जी, तो अब देखते हैं वो भी लोग भी आते हैं तो इंशाल्लाह फिर हम अपने सफ़र को आगे निकलते हैं। ठीक हो गया, और फीलिंग जो है वो फिर आपको पता ही है कि वतन अजीज की क्या फीलिंग है। समझ सकता हूँ आगे का क्या प्लान है, किधर जा रहे हैं आगे? इंशाल्लाह हमारा प्लान जो है हम यहाँ से निकल के क्वेटा की तरफ निकलेंगे, वहाँ खाना शाना खाएंगे शाम को, वहाँ पे जाके खाना शाना खा के आज की रात वहाँ पे ही स्टे करेंगे। ठीक, फिर आगे जाके जो है वो अपना प्लान आगे लगे। चले शुक्रिया।
चारों सूबों में मौसम के सोरंग नजारे हैं, कामयाबी के परचम पे चमके चांद सितारे हैं, चारों सूबों में मौसम के सोरंग नजारे हैं, कामयाबी के परचम पे चमके चांद सितारे हैं, तेरी वादियों में दिलकश कुदरत की बहार, मेरा जाने आए कई दूर मगर ना बुझेगा, चरागे हमने वतन सदकाए मुस्तफा, है दुआ के दुनिया भर में तेरा बोल रहे बाला, मिट जाए कुदरत की बहार, मेरा मान मेरी जान मेरा प्यारा पाकिस्तान, मेरी आन मेरी शान मेरा प्यारा पाकिस्तान, मेरा मान मेरी जान मेरा प्यारा पाकिस्तान, मेरी आन मेरी शान मेरा प्यारा पाकिस्तान। जाने आए कई दूर मगर ना बुझेगा, चरागे हमने वतन सदकाए मुस्तफा, है दुआ के दुनिया भर में तेरा बोल रहे बाला, मिट जाए
जिस जगह भी जाए अगर वहाँ के प्याज खा लिए जाए तो पेट के मसाइल ज़्यादा नहीं होते हैं। यहाँ से कुछ प्याज लेते हैं और फिर आगे जो है वो फिर यहाँ का लोकल खाना पीना शुरू करते हैं। जाने आए कई दूर मगर ना बुझेगा, चरोगे हमने वतन सदका गाड़ी जो है वो हम बलोचिस्तान में मरवाले तकरीबन कोयटा से 250 किलोमीटर के फासले पे हैं। अभी 250 किलोमीटर आगे कोयटा है और इलाका जो है वो दोनों तरफ सहरा है, लेकिन उस तरह नहीं है कि दूर दूर तक कोई आबादी ना हो, बल्कि 40-50 किलोमीटर के बाद कोई ना कोई आबादी ज़रूर आ जाती है। और दूसरी बात ये कि सहरा के अंदर जो है ना, वो पहले भी बताया था कि अंदर ट्रेन की पटड़ी है और पटड़ी जो है सामान लेके जो जाने वाली है वो भी जाती है। और
जाती है जो क्वेटा से ईरान की तरफ और आगे दूसरी तरह की बाकी लोग यहाँ पे कोऑपरेटिव हैं। अभी ये नहीं पता कि देरा होने के बाद यहाँ पे ट्रैफिक लग गया और ट्रैफिक काफी है, लोग काफी हैं, लोग काफी चक्कर लगा रहे हैं अपना फायर फैक्ट्री में, सारा माहौल बना हुआ है। गाड़ी चलवा रही है, गाड़ी चलवा रही है, यहाँ से आगे का सफर शुरू करते हैं। थोड़ा सा आपको यहाँ के लोगों का रहन सहन बताते हैं। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल संघ प्रत्येक, अगर आप उसके अंदर देखेंगे गूगल वगैरह के अंदर तो आपको गूगल मैप्स में पता चल जाएगा कि हम इस वक्त किस जगह पे खड़े हैं। और लोग जो हैं वो काफ़ी कोऑपरेटिव और सादा ज़िंदगी बसर करने वाले हैं। कच्ची कच्ची बस्तियाँ बनी हुई हैं। छोटी छोटी दुकानें खोल के अपना गुजर बसर कर रहे हैं। पहाड़ी सिलसिला साथ साथ चल रहा है यहाँ बलूचिस्तान में, जो गालबन अभी क्वेटा तक किसी तरह पथरीले पहाड़ों और रेतले पहाड़ों के बेमुश्किल पहाड़ों के चलता ही रहेगा। ट्रॉल आ रहे हैं खाना खाएंगे यहाँ से, और ज़बरदस्त होटल है सड़क के ऊपर ही, क्वेटा की तरफ जा रहे हैं और तकरीबन 200 किलोमीटर क्वेटा भी और है आगे। शाम हो रही है, अंधेरा छा रहा है, तो हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपनी नेक्स्ट मंजिल की तरफ जा रहे हैं जो कि क्वेटा है। कल इंशाल्लाह डायरेक्शन फैसलाबाद निकलेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा चांस है कि हम मुल्तान और बहावलपुर खुद भी देखें और आपको भी दिखाएं। मुल्तान में किला भी देखने वाला है, किला फोटाबास को भी देखेंगे और फिर आगे देखेंगे। सोने अल्लाह की सुभान।